और आज हम ये देख रहे हैं कि बेन कितने बजे खाना खा रहा है तो बेन की घड़ी में क्या टाइम हुआ है अभी एट थर्टी हाफ पास्ट एट मिसेस कुमार बास हर सन एवरी मॉर्निंग मिसेस कुमार जो हैं डेली अपने बेटे को कितने बजे नहलाती हैं घड़ी में हम देख सकते हैं टेन ओ क्लॉक क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज हाफ पास्ट फाइव हाफ पास्ट फाइव मीन्स फाइव पाँच बजे दैट इज कन्फर्म हाफ पास्ट हाफ मीन्स थर्टी मीन्स आंसर इज फाइव थर्टी सी ऑप्शन को टेक करना है वर्कशीट ये जो आपका पेज नंबर सिक्सटी सेवन है वर्कशीट नंबर वन है इसमें ब्रेन जो है वो डिनर ले रहा है एट थर्टी पर मिसेस कुमार अपने बच्चों को डेली नहराती हैं दस बजे और हा पास्ट फाइव का मतलब है फाइव थर्टी डी ए सी ऑप्शन को आप बच्चों को टिक करना है वर्कशीट नंबर टू है पेज नंबर सिक्सटी एट पर अब इसे ओपन कीजिए जस्ट स्टार्टेड राइटिंग साइंस टेस्ट एट वन पी एम

टू ओ क्लॉक यहां पर आपको लिखना है क्लियर uh, बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू जमाल रिच हिज स्कूल एट एट ओ क्लॉक बट वन डे जमाल जो है वो डेली आठ बजे स्कूल पहुंच जाता है लेकिन एक दिन क्या हुआ ही वो कब लेट इन द मॉर्निंग उसकी आंख नहीं खुली सुबह वो देर से जागा ही रिचड स्कूल हाफ एन आर लेट हाफ एन आर हाफ एन आर का मतलब है आधा घंटा मीन्स थर्टी मिनट वो लेट पहुंचा पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं इट मीन्स कि वो पहुंचा होगा एट एट से थोड़ा सा आगे जाएगी नाइन से थोड़ा सा पीछे रहेगी जब एट थर्टी हमें शो करना है एट थर्टी राजेंस बर्थडे इज़ इन द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर इन विच मंथ वाज ही बोर्न। राजन का बर्थडे थर्ड मंथ में आता है जनवरी फरवरी मार्च इट मीन्स के वो मार्च मंथ में पैदा हुआ है वर्कशीट नंबर टू पर पहला क्वेश्चन है जैसे रिलेटेड जिसका साइंस टेस्ट जो है वो वन ओ स्टार्ट होता है एक बजे स्टार्ट होता है और एक घंटे में ही completed द टेस्ट एन आर लेटर एक घंटे में वो अपना टेस्ट ख़त्म कर देता है तो कितने बजे उसने अपना टेस्ट ख़त्म किया टू ओ क्लाक ख़त्म किया यहाँ पर आपको इस क्लॉक में हैंड्स भी बनाने हैं जिसमें एक हैंड टू पर जाएगा और दूसरा हैंड ट्वेल्व पर आवर हैंड टू पर मिनट हैंड ट्वेल्व पर सेकेंड क्वेश्चन जमाल से रिलेटेड है जो डेली तो स्कूल आठ बजे पहुंच जाता है लेकिन एक दिन सुबह आंख नहीं खुली तो वो आधा घंटा हाफ एन आवर लेट हो जाता है आठ बजे पहुंचने वाला बच्चा अगर थर्टी मिनट लेट पहुंचता है तो इट मींस वो एट थर्टी पर स्कूल पहुंचता है आवर हैंड एट और नाइन के बीच में ड्रॉ होगा और मिनट हैंड एग्जैक्ट सिक्स पर ड्रॉ करना है थर्ड क्वेश्चन बर्थडे इज इन द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर राजन का बर्थडे थर्ड मंथ में आता है हर साल जनवरी फरवरी मार्च थर्ड मंथ क्या आएगा मार्च इज इट क्लियर बेटा वर्कशीट नंबर टू देन ओपन वर्कशीट नंबर थ्री पेज नंबर सिक्सटी नाइन इन मैथ्स वर्कबुक In a clock shop, the following clocks are placed. Look carefully and write down the time shown in the shown on the clocks. घड़ी की दुकान में काफ़ी घड़ियां रखी होती हैं जिसमें से ये जो घड़ियों की दुकान दिखाई गई है इसमें घड़ियां बहुत हौच पौच कोई ऊपर कोई नीचे कहीं भी उल्टी सीधी रखी हुई है और हमें कहा है कि सीधा नहीं करना है बस जस्ट टाइम बता दो कि कितना हुआ है तो यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट क्लॉक में जिसमें आवर हैंड थ्री पर है और मिनट हैंड ट्वेल्व पर है इट मीन्स टाइम इज़ थ्री ओ क्लॉक सेकेंड वॉच में हम देख सकते हैं सेकेंड क्लॉक जो भी है आवर हैंड सिक्स पर है मिनट हैंड अगेन ट्वेल्व इट मीन सिक्स ओ क्लॉक थर्ड में आवर हैंड फोर पर मिनट हैंड ट्वेल्व पे मीन फोर ओ क्लॉक थ्री ओ क्लॉक सिक्स ओ क्लॉक फोर ओ क्लॉक गॉट इट जब हमारा मिनट हैंड ट्वेल्व पर आता है तो जीरो मिनट शो किए जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू जो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इसमें आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट बताई गई है वो ट्रू है या फॉल्स है ट्रू है तो आगे ट्रू लिखिएगा फॉल्स है तो आगे फॉल्स लिखना है इफ द टाइम इज़ फोर ओ क्लॉक अगर फोर ओ क्लॉक का टाइम हुआ है दे द मिनट हैंड विल बी एट फोर नो आवर हैंड होगा फॉल्स है ये एंड द आवर हैंड बी नो उल्टा लिख दिया बेटा इफ द टाइम इज हाफ पास थ्री हाफ पास थ्री मीन थ्री थर्टी दिन बी बिफोर सिक्स सिक्स नो, वो तो पर होगा इफ द टाइम इज़ हाफ पास ट्वेल्व अगर टाइम हाफ पास ट्वेल्व है मीन्स ट्वेल्व थर्टी है द मिनट हैंड विल बी ऑन ट्वेल्व एंड द आवर हैंड विल बी ऑन सिक्स तो सिक्स थर्टी हो गए नो no, ये भी फॉल्स है फिर तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बेटा गलत है इफ द एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए इफ द टाइम इज फोर ओ क्लॉक अगर फोर ओ क्लॉक टाइम हुए हैं तो मिनट हैंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मिनट हैंड जो होगा फोर पर होगा जो गलत है आवर हैंड फोर पर होगा मिनट हैंड ट्वेल्व पर होगा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई फॉल्स हो गई सेकेंड स्टेटमेंट में इफ द टाइम इज हाफ पास थ्री हाफ पास थ्री मीन्स थ्री थर्टी हुए हैं देन सेकेंड क्वेश्चन इफ द टाइम इज हाफ पास थ्री हाफ पास थ्री मीन्स थ्री थर्टी दैन द मिनट हैंड विल बी बिफोर सिक्स सिक्स से पहले होगा जी नहीं वो भी गलत है एग्जैक्ट सिक्स पर होगा और आवर हैंड जो होगा वो थ्री पर होगा इफ़ द टाइम इज हाफ पास ट्वेल्व अगर ट्वेल्व थर्टी हुए हैं वॉच में क्लॉक में दैन द मिनट हैंड विल बी ऑन ट्वेल्व हाफ पास में मिनट हैंड सिक्स पर होता है हमेशा और कहीं नहीं होता ये भी फॉल्स है तीनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं ड्रॉ द सॉरी मिसिंग हैंड ऑफ द क्लॉक क्लॉक का मिसिंग हैंड ड्रॉ हमें करना है नीचे टाइम बता रखा है हमें फाइव ओ क्लॉक है जब भी ओ क्लॉक मीन्स पूरे पाँच बजे हैं देन मिनट हैंड हमेशा ट्वेल्व पर होगा हाफ पास्ट एट में जैसे पीछे भी अभी हमने मैंने कहा भी था एट और नाइन के बीच में एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको वो क्वेश्चन भी करना है हाफ पास डेट में मिनट हैंड हमेशा पर होगा हाफ जहाँ भी हमें टाइम बताना है तो मिनट हैंड सिक्स पर आएगा करेक्ट बेटा वर्कशीट नंबर फोर है यहाँ पर फ्रॉम द क्लोज गिवन बिलो फाइंड एंड राइट द मंथ्स Months लिखने हैं हमें यहाँ पर द ओनली मंथ विथ थ्री लेटर ऐसा कौन सा मंथ है सिर में सिर्फ और सिर्फ थ्री ही लेटर्स आते हैं मे एम ए वाई मे यहाँ पे लिखोगे चिल्ड्रंस डे चिल्ड्रंस डे कब आता है भाई अभी नवंबर में आता है थ्री मंथ्स थ जी जे से स्टार्ट होने वाले सबसे पहले तो जनवरी स्टार्ट होता है जनवरी देन जून देन जुलाई छोटा छोटा करके लिखना द मंथ बिफोर जनवरी जनवरी से पहले दिसंबर द ओनली मंथ विथ March has less than thirty days. That is February. February. ठीक है बेटा थ्री लेटर्स वाला मंथ है मे चिल्ड्रंस से आता है नवंबर में थ्री मंथ्स लेटर थ्री मंथ्स विच विगेन विद जे जे अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले हैं जनवरी जुलाई एंड जून मंथ बिफोर जनवरी है आपका दिसंबर एंड द ओनली मंथ विच देन थर्टी डेज थर्टी डेज से कम कौन से मंथ में होते हैं फेब्ररी में होते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर टू राहुल रिसीव्ड फोर लेटर्स इन सेम वीक एक ही हफ्ते में राहुल के पास फोर लेटर्स आ गए हैं ही नोटि डाउन द डेज ऑन विच ही रिसेव्ड दैम ऑन द एनवेल्व और उसने क्या किया एनवेल्व के ऊपर ही लिख दिया कि उसे कौन सा लेटर कौन से डे पे मिला है कैन यू रीड दिस कैन यू ऑर्डर द लेटर्स फॉर हिम क्या आप उसके सारे लेटर्स को एक ऑर्डर में लगा सकेंगे सबसे पहले कौन सा लेटर आया उसके बाद कौन सा लेटर आया उसके बाद कौन सा आया तो अकॉर्डिंग टू डे हम कर सकते हैं सबसे पहला जो मंडे ठीक है मंडे को आया उसका फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर आया उसका मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनसडे वेडनसडे डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई वेनसडे वेडनसडे के बाद थर्ड लेटर आया है उसका थर्सडे को थर्सडे एंड द लास्ट वन फोर्थ वन एट सैटरडे

आफ्टर सैटरडे किसके बाद आता है फ्राइडे के बाद आता है भाई मंडे कम्स बिटवीन मंडे किस किस के बीच में आता है संडे एंड ट्यूसडे ट्यूजडे फरहान म्यूजिक क्लासेस ऑन संडे ट्यूसडे एंड थर्सडे व्हाट आर द डेज ऑन विच ही इज फ्री टू टेक अप कराटे क्लासेस अगर फ़रहान की म्यूज़िक क्लासेस संडे ट्यूसडे और थर्सडे को होती हैं तो कराटे क्लासेस कब कब होती हैं उसकी इनको छोड़ करके संडे के बाद मंडे संडे को म्यूजिक है सॉरी संडे को म्यूज़िक है तो मंडे को कराटे ट्यूसडे को फिर से म्यूज़िक वनसडे वनसडे को कराटे वनसडे के बाद थर्सडे को फिर से म्यूजिक थर्सडे के बाद फ्राइडे को कराटे और आई थिंक फ्राइडे के बाद सैटरडे को भी सैचरडे कराटे क्लासेस ही होती हैं आगे हमें एरर हमेशा फाइंड आउट करनी होती है नक्श रेट द टाइम शो बाय द क्लॉक एज ट्वेल्व थर्टी नक्श ने इस टाइम को पढ़ दिया ट्वेल्व थर्टी गलत डिटी रेड द टाइम करेक्टली नो बिल्कुल गलत है यहाँ पे आवर हैंड जो है वो सिक्स पर है इसका मतलब घड़ी में सिक्स बजे हुए है। और हैं और मिनट हैंड ट्वेल्व पे है मीन्स नो मिनट जीरो सिक्स ओ क्लॉक हम क्या पढ़ सकते हैं इसे सिक्स ओ क्लॉक सुशी शो टू थर्टी ऑन द क्लॉक ए शोन बिलो शुशी ने इस घड़ी में टू थर्टी शो किए हैं गलत है नो ड्रॉ द टाइम करेक्टली टू थर्टी के लिए बेटा आवर हैंड जाएगा टू पर और मिनट हैंड आएगा सिक्स पर अपोजिट कर दिया है उसने यहां पर आपकी मैथ की वर्क बुक जो है वो बिल्कुल ही फिनिश होगी है अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो कुछ पूछना हो तो आप बेटा कॉल कर लीजिएगा मैसेज कर लीजिएगा लेकिन जो भी डाउट हो पूछेगा जरूर ओके बाय अ गुड डे बेटा